Hi Pilamane, welcome to Ekalavya Batch and initiative by Prayas Family. ठीक अछि पिलामने आमे पढिबा आज कोनो ना बहुत नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान रो हमर सेकंड चैप्टर कोनो अछि ना आम चारि पाखरे थिबा पदार्थ विशुद्ध की से विषय रे आज आमे पढिबा तले जिबा आजरा सेक्शन को स्टार्ट करिबा ठीक अछि पिलामने चलो देखो तले कोन रहै छि ना एथि देखो आमे चतुर्पाश्व रे देखुथिबा केते गुडीए वस्तु बा केते गुडीए चित्र एथि रहै छि तले देखो कोन ना आमे खाउथिबा खाद्य हो कोन आमे खाउथिबा खाद्य तापर कोन हमरो चेयर हो टेबल हो देखि पाछो चेयर हो टेबल हो आ कोन ना पत्थर आ कोन पानी आ हमरो पेन हो तमरो बही खाता हो तमरो बाली ए सब दिनस जते सब हम दिनस सब देखु छे हमर कोन चारि पाकर जते सब दिनस हम देखु छे बा वस्तु देखु छे से गुडी को कोन ना ताकु गोटोटे पदार्थ नामकरण करा जाय छी कोन ना वैज्ञानिक माने कोन कहले ना हम चारि पाके थिबा जते गुडी वस्तु जेउ द्रव्य को नै गढा ताकु वैज्ञानिक माने कोन पदार्थ बोली नामकरण कर करिछंती तले पिला माने ए जो पदार्थ तुमे बा दिनस गुडी को सब देखिलो बा वस्तु गुडी को देखिलो ए वस्तु गुडी को तुमरो खाउ खाद्य हो टेबुल चेयर हो पत्थर हो किंबा पानी जल बिंदु हो जल ठोपा हो आ कोन पेन बही खाता बाली ए सब समय देखिले ए वस्तु गुडी को कोन ना देखि पर तो समस्त किछि किछि स्थान अधिकार करिछंती तमर ए पेन भी होना काहे कि ए पेन को जदि मु गोटे जगह थोइबी तले थोइले कोन हबो से जो जगह ताको थोइबी से जगह रे कोन करबो से स्थान रे से किछि स्थान अधिकार कय से जगह रे से रहइबो त माने से कोन कला किछि स्थान अधिकार करूची आ कोन ना पेन को टिके जाहा बेले यार किछि टिके ओजन रहिछि त माने यार कोन किछि वस्तु तो रहिछि तले कोन होला ना आम चारि पके थिबा बा वस्तु गुडी कर कोन होइछि से माने किछि स्थान अधिकार करंती आ से माने कोन करंती ना किछि कोन तांकर वस्तुत्व रहिछि तले ए जो पदार्थ गुडी आमे देखिले से कोन बड़ हो किबा छोटो हो एमिति के जल कोन गोटे जल बिंदु हो जल ठोपा हो आ कोन हमर बाली रो छोटो छोटो कणिका मध्ये हो तले ताको आमे कोन कहबा पदार्थ बोली कहबा तले जो पदार्थ तले चलो देखिबा पदार्थ आमे कहा को कहबा तले देखो देखो तले पदार्थ कहले कहा को कह जाए ना पदार्थ जहाँ स्थान अधिकार करे कोन जहाँ स्थान अधिकार करे ओ जहार वस्तुत्व अच्छी ता हेउची पदार्थ कोन ना आम चारि पाखरे जहाँ भी सब आम जिनस वस्तु देखुचे से कौन करे ना किसी स्थान अधिकार करके रहे आउ कोन ना तार किसी वस्तुत्व रही आम पदार्थ बोली कहचे कौन है ना जहाँ स्थान अधिकार करे ओ जहार वस्तुत्व अच्छी ता हेउची पदार्थ कोन ता हेउची पदार्थ तापर ताको अन्य अर्थरे कहले कोन ना पदार्थर उभय वस्तुत्व ओ आयतन अच्छी तले पदार्थ आम क्या कहवा जी स्थान अधिकार करे आ जहाँ किसी वस्तुत्व रही आम पदार्थ बोली कहवा बुझीला तार कौन उभय वस्तुत्व आयतन रही ये जो पदार्थ क्या नहीं गठित पे पदार्थ है कौन ना छोट छोट कणिका को नहीं गठित बहुत गोटे छोट छोट कणिका मिसले गोटे पदार्थ या हुए पदार्थ क्या गठित कणिका को नहीं गठित बुझल तले बर्तमान देखा आम पदार्थर श्रेणी विभाग तले पदार्थर श्रेणी विभाग बर्तमान आलोचना करा पदार्थ केते भाग विभक्त करा जाय छी देखो पदार्थर भौतिक अवस्था अनुजाई कौन भौतिक अवस्था अनुजाई पदार्थ को तीन भाग में विभक्त करा जाय छी आम चारिपाखे आम जहाँ भी सब जिनस देखुचे से केतक कठिन अवस्था रही केतक तरल अवस्था रही केतक गैसीय अवस्था रही कौन पदार्थर तीनोटी अवस्था रही से ना कौन पदार्थर भौतिक अवस्था अनुजाई पदार्थ केते भागे विभक्त करा जाय छी कठिन तरल आउ गैसीय अवस्था रे विभक्त करा जाय छी तले देखो कठिन कठिन आम ये जल तीनोटी अवस्था को उदाहरण भाव नहीं पारा जल जिते बरफ अवस्था थी आईस अवस्था थी आम कठिन बोली कहीपर जिते जलटा कौन तल पूरा पानी अवस्था थी आम कौन तरल अवस्था कहींपर तार आ गैसीय जितने आम जलटा को लेकिन गरम करे फुटे से कौन हो बाष्पर परिणत होता तार कौन गैसीय अवस्था तले देखिले कौन ना पदार्थ तीनोटी अवस्था रोचे कौन कठिन तरल गैसीय अवस्था रोचे तले देखो ये तुम मन पर चित्र रही पत्थर हो ईटा हो जहाँ भी हो सब कठिन जिनस देखो कहला कठिन अवस्था रे आमर जूस ये कौन है तरल अवस्था रहा तले देखिले कौन पदार्थर भौतिक अवस्था अनुजाई पदार्थ केत भाग में विभक्त करन भाग में कौन कौन ना कठिन तरल गैसीय अवस्था सब तीन भाग में विभक्त करा वर्तमान देखा पदार्थर रासायनिक संरचना अनुजाई ताकू केत भाग में विभक्त करा जाय छी तले देखो पदार्थर रासायनिक
आधुनिक संरचना अनुजाई ताकू केते भागरे दुई भागरे विभक्त करा जायची कोण कोण गोटे हला विशुद्ध पदार्थ कोण गोटे हला विशुद्ध पदार्थ बा प्योर सब्सटेंस आ गोटे हला कोण मिश्रण बा मिक्सचर त कमे कोण कहबा इम्प्योर सब्सटेंस मध्ये कहि परिबा बुझेला तले पदार्थ रासायनिक संरचना अनुजाई ताकू केते भागे विभक्त करा जायची दुई भागरे गोटे हला कोण प्योर सब्सटेंस आ गोटे कोण इम्प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस को कहबा विशुद्ध पदार्थ इम्प्योर सब्सटेंस बा ताकू मिक्सचर बा मिश्रण मध्ये कहि परिबा तले देखो ए जो विशुद्ध पदार्थ आमे कहा को कहबा ना जो पदार्थ केवल गोटे मात्र कणिका को नहीं गठित हो जो पदार्थ केवल गोटे प्रकार कणिका रही थोड़े कौन कह विशुद्ध पदार्थ बा प्योर बोलीपर जमीक तुम्हें उदाहरण नहीं पार कौन सुना को नहीं पार सुना को जब आम खंड खंड कर छोट छोट खंड में परिणत करवा सुना ही मिल सुना बदल रूपा मिल कि तंबा मिल सीटा तो हेनी ना कौन करें सुना को जब काटि काटि से सुना ही मिल ते कौन है सुना गोटे प्रकार कणिकार ही गठित सुना ही केवल सुना कणिका को नहीं गठित तमें कहींपर सुना है गोटे विशुद्ध पदार्थ बा प्योर सब्सटेंस विशुद्ध पदार्थ कौन है बुझिपार पे विशुद्ध पदार्थ कौन ना जो पदार्थ केवल गोटे प्रकार कणिका को नहीं करते आम विशुद्ध पदार्थ बोली कह बुझीला मिश्रण बा मिक्सचर मानने कौन हो दुई बा दुई बा दुई रु अधिक पदार्थ को लेकिन से कौन हो एकाठी हो मिसी थे तो आम कौन कह मिश्रण बोली कह पाने देख ये विशुद्ध पदार्थ को पुणी केत भाग दुई भाग विभक्त कर कौन विशुद्ध पदार्थ को पुणी दुई भाग विभक्त करा गोटे मौलिक आ गोटे जौगिक मौलिक मौलिक है कौन ना आमर सरलतम विशुद्ध पदार्थ को मौलिक कह जाए कौन सरलतम विशुद्ध पदार्थ को मौलिक कह जाए देख ये उदाहरण भाव कौन है सुना रूपा लुहा तुम्हें नहीं पार सुना नहीं पार रूपा नहीं पार लुहा नहीं पार तंबा आम जितक सब कौन धातु रे से कौन है मौलिक धातु अधातु हो सामने कौन गोटे गोटे मौलिक देख जौगिक जौगिक है आम कौन कंपाउंड से कौन दुई बा दुई रु अधिक मौलिक मान को लेकिन गठित तेल कौन तक आम जौगिक व कंपाउंड कह कि NaCl है आम लुण आउ तुम सुगार चीनी आम कह कंपाउंड बोली कह पाने पुणी ये आउ गोटे जिनस देख ये आम मौलिक मौलिकटा को पुणी तीन भाग विभक्त कर मौलिक को पुणी तीन भाग विभक्त कर कौन गोटे धातु गोटे है कौन धातु आ गोटे है कौन अधातु आ गोटे है पाने कौन उपधातु कौन उपधातु ताले मौलिक को पुणी तीन भाग विभक्त कर गोटे है कौन धातु आ गोटे है अधातु आ गोटे है कौन उपधातु ताले धातु अधातु उपधातु विषय में आम आगक गले पढ़ा ताले पुणी जौगिक जौगिक पुणी दुई भाग विभक्त कर जौगिक को कौन पुणी दुई भाग विभक्त कर जौगिकटा है गोटे है आम कौन ना आमर जैव गोटे है जैव जौगिक कौन गोटे है जैव जौगिक आ गोटे है पाने अजैव जौगिक गोटे है जैव आ गोटे है कौन अजैव जोटा को तुम्हें कौन कह इंग्राजी में जैव है ऑर्गेनिक कंपाउंड अजैव है इनऑर्गेनिक कंपाउंड तेल जौगिक कंपाउंड को दुई भाग विभक्त करागला गोटे है जैव जौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अजैव जौगिक कहुए इनऑर्गेनिक कंपाउंड दुई भाग विभक्त करागला बुझीला तेल कौन है विशुद्ध पदार्थ को दुई भाग विभक्त करागला गोटे है कौन मौलिक आ गोटे है जौगिक तेल जो मौलिक मौलिक को पुणी तीन भाग विभक्त करागला धातु अधातु उपधातु तीन भाग विभक्त करागला जौगिक को दुई भाग विभक्त करागला गोटे है कौन जैव जौगिक जोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड अजैव जौगिक जोटा तुम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बुझीला ताले आम तार उदाहरण नहीं गले जौगिक उदाहरण आम लुण आउ चीनी तो आम तुम कौन मौलिक भाव में सुना रूपा लुहा तंबा ऑक्सीजन ये सब आम नहीं पार कौन मौलिक भाव में देख बर्तमान मिश्रण बा मिक्सचर को देखा मिक्सचर है दुई प्रकार कौन ना आम फास्ट देखा मिश्रण मिश्रण गोटे उदाहरण ना तुम्हें आम लेंबू पानी करवा लेंबू पानी कले कौन कर प्रथम आम गोटे ग्लास पानी नवा पानी नहीं कौन करवा लेंबू रस मिसेबा तापर कौन करवाकूर चीनी मिसेबा तापर कि लुण मिसेबा ताप भल भाव में घाटा घाटिले बर्तमान से कौन होगा लेंबू सरबत होगा लेंबू पानी होगा तेल बर्तमान से कौन चीनी मिसला लेंबू रस मिसला पानी रहा आउ कौन चीनी रहा तेल कौन है कते गुड़े पदार्थ मिसला पर से गोटे प्रकार सृष्टि हो गोटे प्रकार सृष्टि है तक आम कौन कह मिश्रण व मिक्सचर बोली कहींपर बर्तमान से जो मिश्रण है दुई प्रकार कौन कौन गोटे है समजातीय मिश्रण आ गोटे है कौन असमजातीय मिश्रण तेल दुई प्रकार मिश्रण गोटे है समजातीय मिश्रण आ गोटे है असमजातीय मिश्रण तेल समजातीय मिश्रण कहले कौन समजातीय मिश्रण माने आम बर्तमान देखिले कौन लेंबू पानी को देखिले
लेम्पानी हो कि तुम चीनी पानी हो कि तुम लुण पानी हो देख से जो आम लेंबू पानी नहीं लेंबुने कौन मिसे आम लेंबू रस मिसे चीनी मिसे लुण मिसे पानी नहीं सबुतक मिक्स करके कौन गोटे मिश्रण पाई बर्तमान से लेंबू पानी तुम्हें टिके नाक नहीं चाख ताको जेकोनसे उपर टिके नाको नेक चाख कि चामच रानी ताको पूरा तळ पटे चामच रानी टिके चाख ताले ताको लेंबू पानी रो जेकोनसे अंश को चाखिले आम कोन से लेंबू पानी रो टेस्ट गोटे प्रकार थिबो ना अलगा अलगा थिबो त गोटे प्रकार थिबो ताले सेटी कोन होइछन्ति से समूह जातीय मिश्रण ता माने से जो लेंबू पानी आमे प्रस्तुत करछे तार सबु अंश रे टेस्ट हला समान ताले से कोन ताको आमे समूह जातीय मिश्रण बोली कहबा ताले असमूह जातीय मिश्रण कोन ना जे मिशि नथिबे अलगा अलगा हेकि रहिथिबे ताको आमे असमदत्य मिश्रण बोली कहिबा जेमिति कि तमरो पानी रे किछि माटी मिसै दियो पानी रे किछि माटी मिसै देले कोन हबो तको किछ समय पर कोन हिजबो से माटी टा से तळे बसि जिवो उपरे खाली पानी रहिजबो तले कोन हिजे से पानी आ माटी को अलगा अलगा हेगला तले सेठी आमे असमदत्य मिश्रण कहि परिबा कि तमे नै परिबो कोन चाउल आउ गोड़ी को नहीं पार जिते चाउल किसी गोड़ी मिसी जाए कौन हुए ना से चाउल आउ गोड़ीर मिश्रण होगा से कौन असमजातीय मिश्रण चाउल अलग गोड़ी अलग हो पार से कौन असमजातीय मिश्रण उदाहरण ठीक अच्छे पे आम देखिले पदार्थ भौतिक अनुजाई दुई भाग में विभक्त कराला पदार्थ कौन तक तीन भाग विभक्त कराला कठिन तरल गैस पदार्थ रासायनिक संरचना अनुजाई दुई भाग में कौन है गोटे विशुद्ध पदार्थ आ गोटे मिश्रण व मिक्सचर कौन विभक्त कराला देखिले विशुद्ध पदार्थ को दुई भाग में मौलिक जौगिक मिश्रण को पुणी दुई भाग में समजातीय असमजातीय बर्तमान जो विशुद्ध पदार्थ आम प्योर सब्सटेंस बर्तमान देखा आम विशुद्ध पदार्थ विषय में पढ़ा तो आम चारिपाखे आम देखुवा जहाँ भी जिनस हो सबुगुड़िक कौन प्योर कि विशुद्ध कि सेगुड़ सबुगुड़िक विशुद्ध कि जहाँ भी तुम्हें देखु समस्त जिन विशुद्ध कि प्योर कि आम प्योर सब्सटेंस क्या कहवा गोटे प्रकार कणिका को नहीं गर्त होते आम विशुद्ध पदार्थ बोली कहवा तो आम चारिपाखे आम जहाँ भी सब जिन देखुचे से सब गुड़क आम विशुद्ध पदार्थ बोली कहीपर कि देख आम कौन ना बजार मार्केट को जाऊे मार्केट को गले तुम क्षीर हो गए क्षीर पैकेट हो कि घी हो कि पानी हो कि तुम मसला मसला हो कि तुम किसी कौन जूस हो तुम आनुच ताल से जो देखो सेगुड़ी कौन विशुद्ध कि पूरा प्योर कि तुम्हें ताल ये तुम्हें मैंने लक्ष्य मैं लक्ष्य करते बेले देखी से पैकेट उपत पूरा प्योर लिखाई थी तुम्हें लक्ष्य कर जो पैकेट उपाने जो प्योर लिखती कि कंपनी माने जो प्योर लिखती समस्त कौन निज निजर कंपनी ना माने कौन निज निजर कंपनी ना को ये करने कौन करती हाँ पैकेट उपर भी लिखी दिखते यहाँ 100% प्योर एत कि भी इंप्यूरीटी मिसिकी ना तो से जो प्योर लिखती से गुटा सतरे कौन प्योर कि देखा आम जने साधारण लोक मत साधारण लोक जने से गोटे पदार्थ को विशुद्ध बोली केत भाव ना जिते बेले गोटे पदार्थ में कि भी मिश्रण हो नी जिन अलग जिनस मिसिकी ना कि अपमिश्रण हो न से कौन कह हाँ यहाँ विशुद्ध पदार्थ बोली कह जन वैज्ञानिकों मत से जो विशुद्ध पदार्थ ताकूर कि पदार्थ को विशुद्ध बोली ना ताको आम वैज्ञानिक मत आम से पदार्थ को विशुद्ध बोली कहींपर ना से विभिन्न प्रकार जिन मिसिक रही थी जमी तुम्हें क्षीर उदाहरण निय क्षीर क्षीर में कौन हो तुम्हें देखु बाहर देखने कौन हो हाँ यहाँ पूरा प्योर प्योर लगुच पूरा कौन विशुद्ध अच्छे से किसी मिसामिशी होनी कि एक्चुअली देखा गले वैज्ञानिकों मत देखा गले कौन ना क्षीर में कौन मिसिक रही जल मिसिक रही आउ कौन ना से स्नेह सार रही पुष्टि सार रही विभिन्न प्रकार जिन मिसिक रहा है क्षीर को आम कौन प्योर सब्सटेंस विशुद्ध बोली कहींपर किपरबानी तेल आम चारिपाखे आम देखुवा जिते सब जिनस गुड़िक से गुड़क कौन समस्ते प्योर नुहंती विशुद्ध नुहंती से कौन ना कि मिसिकी रही तुम देख घी हो कि तुम पानी बोतल हो कि तुम लेंबू जो जूस हो जूस जदि तुम्हें घर या तुम्हें कौन कर फल को काटिके केवल ग्राइंडिंग कर दियो से चीनी आउ बरफ पकईकि तुम पियो कि मार्केट रू आणुचे मार्केट रे कौन ना से कि कलर मिसा जाए कि बास्ना परफ्यूम मिसा जाए कौन आज पोचा फल करते कौन विभिन्न प्रकार कौन से कौन केत गोटे जिनस मिसिक रहा आम कौन कौन विशुद्ध बोली कहींपर कि विशुद्ध बोली कहींपर ना तो बर्तमान देखा ये जो पदार्थ गुड़िक विभिन्न प्रकार मिश्रण कौन
তিয়ারি হইতান্তি ও কেতু গুডি তেতরে মিশিকি রইতান্তি তাহলে বর্তমান দেখিবা আমি যে বিশুদ্ধ পদার্থ কইলে কোন বুঝো ফাস্ট দেখি বিশুদ্ধ পদার্থ আমি কাহাকু কইবা তাহলে বিশুদ্ধ পদার্থ কইলে কোন না কেবল এক প্রকারর অণুকু নেই সে গঠিত হইতিব কোন বিশুদ্ধ পদার্থ কা কইবা গটি প্রকার অণুকু নেই গঠিত হইতিলে তাকে আমি বিশুদ্ধ পদার্থ বলি কইবা তাহলে বিশুদ্ধ পদার্থ প্রত্যেক অণুগুড়িকর রাসায়নিক গুণ সমান বিশুদ্ধ পদার্থরে কইলা প্রত্যেক অণুগুড়িকর রাসায়নিক গুণ সমান যেমনি সুনার উদাহরণ আমি নেবা সুনাকু আমি কাটিবা সুনাকু কাটিলে কো খণ্ড খণ্ড হয়ে সুনা বাহিব তাহলে সে যে গোটে প্রথম খণ্ডের যা গুণ থাকবে দ্বিতীয় খণ্ড কি তৃতীয় খণ্ড কলাবেলে সেই সমান গুণ রয়েছে না তার কিছু অলগা গুণ চেঞ্জ হয়ে থাকবে সেই সমান গুণ রয়েছে তাহলে সে সেই কথা কহিলা বিশুদ্ধ পদার্থর প্রত্যেক অণুগুড়িকর রাসায়নিক গুণ সমান কোণ প্রত্যেক অণুগুড়িকর রাসায়নিক গুণ সমান তাপরে উদাহরণ ভাবে কোণ লুহা তম্বা সুনা রূপা তুমি লুহা লুহার গোটে জিনিস নিও লুহা নেই তাকে কম কর লুহাকে নিয়ে তুমি তাকে খণ্ড খণ্ড করে কাট সেই লুহা বাহিব না আর কিছু মিলব সেই লুহা হি বাহিব তম্বা হোক সুনা হোক রূপা হোক এমানে কোণ গোটিয়ে প্রকার অণুকু নেই গর্ত তাহলে এগুড়ি হচ্ছে কোণ গোটে গোটে বিশুদ্ধ পদার্থ কোণ এমানে হলে গোটে গোটে বিশুদ্ধ পদার্থ তাহলে ঠিক আছে বর্তমান দেখিবা আমি বিশুদ্ধ পদার্থর তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা তাকর তার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে দেখিবা দেখ বিশুদ্ধ পদার্থর প্রকৃতি কোণ না সমজাতীয় কোণ বিশুদ্ধ পদার্থ প্রকৃতি হল সমজাতীয় সবু জায়গায় লুহা হোক সুনা হোক তাকে আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটিলে সে সবু জায়গায় সেই সমান সে লুহা দৌথিব কি সুনা কাটিলে সেই সবু জায়গায় সে সুনা দেব না তাকে আর কিছু অলগা দৌথিব অলগা নাই কম লুহাকে কাটিলে সেই লুহা হি মিলব সুনাকে কাটিলে সেই সুনা হি মিলব তাহলে সে কহিলা না বিশুদ্ধ পদার্থর প্রকৃতি হল কোণ সমজাতীয় তার সবু অংশ হল সমান সে হল কোণ সমজাতীয় তাপরে কহিলা গোটিয়ে পদার্থর ধর্ম অন্য পদার্থর ধর্ম ঠারু ভিন্ন গোটিয়ে পদার্থর ধর্ম অন্য পদার্থর ধর্ম ঠারু ভিন্ন মানে তবে সুনা ও লুহাকে নিও তাহলে সুনাকে আমি কাটিলে কোণ কেবল সুনা মিলি চাল বর্তমান আমি সুনার যা গুণ থাকবে লুহার সেই গুণ থাকবে কি সেই গুণ নথিব তাহলে কোণ হল সুনা গোটি পদার্থর ধর্ম মনে কর সুনা অন্য পদার্থর ধর্ম ঠার ভিন্ন লুহা ঠার ভিন্ন যেমিতি হলে তাহলে সেই কথা কহিলা গোটে পদার্থর ধর্ম অন্য পদার্থর ধর্ম ঠার ভিন্ন তাপরে কোণ না ভৌতিক উপায়ে এর সংযোজনকে পরিবর্তন করি হুয়ে না ভৌতিক উপায়ে আমি তার সেই যে সংযোজন যাকে সে নেই গর্ত তাকে আমি পরিবর্তন করে পারিবা না তাপরে কোণ না আমি যদি আমার চতুর্পার্শ্বকে আমি লক্ষ্য করিবা তাহলে কোণ দেখিবা না অধিকাংশ বস্তু দুই বা ততোধিক শুদ্ধ পদার্থর মিশ্রণ কু নেই গঠিত হইথায় আম চারিপাখে আমি যা বি সব জিনিস দেখুছে সে কোণ দুই বা ততোধিক শুদ্ধ পদার্থর মিশ্রণকু নেই গঠিত তাহলে কোণ না আমার সমুদ্র জল হেউ কি খনিজ পদার্থ হোক কিংবা মাটি ইত্যাদি তার মানে কোণ দুই বা ততোধিক শুদ্ধ পদার্থর মিশ্রণকু নেই এমানে গঠিত হইতান্তি এমানে এক প্রকারর নুহন্তি এমানে কোণ না কেতে গুড়িয়ে দুই বা ততোধিক শুদ্ধ পদার্থর মিশ্রণকু নেই গঠিত হইতান্তি ঠিক আছে হ্যাঁ তাপরে দেখ পিলা মানে কোণ না আমি বর্তমান মিশ্র বা মিশ্রণ বিষয়ে পড়বা আমি আমি দেখলে বিশুদ্ধ পদার্থ কোণ দেখলে না বিশুদ্ধ পদার্থ হল কোণ গোটিয়ে প্রকার কণিকাকে নিয়ে গর্ত তাকে আমি বিশুদ্ধ পদার্থ বলে কহবা তাহলে আমার চারিপাখে যা বিষয় আমি দেখুছে সেটা সব বিশুদ্ধ পদার্থ কি বিশুদ্ধ নুহতি সে ভিতরে বিভিন্ন প্রকার মিশিকি রয়েছেন তাহলে বর্তমান আমি দেখবা সেই মিশ্রণ বা মিক্সচর বিষয়ে পড়বা তাহলে মিক্সচর হল কোণ না মিশ্রণ একাধিক প্রকার বিশুদ্ধ পদার্থকে নিয়ে গঠিত তাহলে কোণ হল মিশ্রণ একাধিক প্রকার কোণ বিশুদ্ধ পদার্থকে নিয়ে গঠিত এতে উপাদানগুলি অনুপাত নির্দিষ্ট নথায় এতে তো অনুপন উপাদানগুলি নির্দিষ্ট নথায় যেমি আমি কোণ লেম্বু পানি নবা লেম্বু পানিরে আমি লেম্বু রস মিশাইলে চিনি মিশাইলে চিনি আপনি লুণ মিশাইলে তাহলে সমস্ত আমি কোণ কিছু নির্দিষ্ট অনুপাত নিয়েছি কি যেত দরকার আমি সেটি মিশাইলে তাহলে কম কহিলা এতে উপাদানগুলি অনুপাত নির্দিষ্ট নথায় কৌশি ভৌতিক প্রক্রিয়া দ্বারা গোটিয়ে বস্তুর উপাদানগুলি অন্য প্রকারর পদার্থ আমি উৎপন্ন করে পারিবা না মানে কোণ ধর আমি সোডিয়াম ক্লোরাইড নবা সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে তোমার লুণ লুণ মানে কথা আমি কোণ জলে দ্রবীভূত করা জলে দ্রবীভূত কলে কম হব সে লুণ পানি হয়ে গেল তাহলে আমি জানিছে লুণ পানি যদি আমি গরম করা গরম করা তাহলে সে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার কম হব না জল তো উপরক বাষ্প হয়ে যাব আর লুণ তলে রয়েছে তাহলে সেই প্রক্রিয়ায় আমি কম করা সেটি লুণকু অলগা করে পারা কিন্তু যদি আমি কম করা খালি এনএসএল কু নবা এনএসএল খালি লুণকু নবা তাকে জলরে দ্রবীভূত করা না খালি এনএসএল কু নবা
खाली एनएसएल को नेले सेथरु तुम्हें सोडियम आउ क्लोरीन को अलग करें तार कठिन अवस्था तो अलग करदी तक आम कौन कर जल द्रवीभूत करें गरम करष्पीभवन प्रक्रिया तक अलग करूँ खाली सोडियम क्लोराइड ने आम अलग करें से कथा से कही कौन सी भौतिक प्रक्रिया द्वारा गोटे वस्तुर उत्पादन गुड़िकर अन्य प्रकार पदार्थ उत्पन्न करना बुझीला ताप देख उदाहरण कौन आम मिश्रण उदाहरण लेंबू पानी एक मिश्रण हो कि चीनी पानी हो कि थंडा होता है ये मिश्रण देखे आम कौन कौन लेंबू पानी मिश्रण लेंबू विभिन्न प्रकार से मिशुच्छे लेंबू रस हो चीनी हो तुम लुण पा एसबूर मिश्रण कौन लेंबू पानी मिश्रण होंबू सरबत हो चीनी पानी सेमती चीनी पानी आम कौन पाइन नौचे सहित चीनी मिसाऊे ताप जैसे चीनी पानी होंडे सेमती केत कौन पदार्थ मिसिकी कौन थंडा या बर्तमान देखा मिश्रणर प्रकार भेद विषय आम आलोचना करवा मिश्रण देखने आम मिश्रण है दुई प्रकार कौन से मिश्रण आम से आलोचना करे जो आम पदार्थ रासायनिक रासायनिक संरचना को लेकिन जो पदार्थ विभक्तिकरण आलोचना करे कौन पदार्थ मिश्रण है कत प्रकार मिश्रण है दुई प्रकार कौन कौन गोटे है समजात मिश्रण आ गए कौन असमजात मिश्रण समजात मिश्रण कौन समजात मिश्रण में तुम से चीनी पानी को बर्तन नवा कि लुण पानी को नवा चीनी पानी कौन करवा गोटे ग्लास नवा ग्लास नहीं से पानी नवा पानी नहीं से कौन करवा कि चीनी मिसेवा चीनी मिसेक तक भल भाव में घाटी घाटिले कौन हम ना घाटी सारापर तुम्हें कौन करके टेस्ट कर देख से तार जेकोसी अंश टेस्ट कर से चीनी पानी तार सब अंश से सामान गोटे प्रकार टेस्ट दौर ना तार टेस्ट परिवर्तन आसो गोटे प्रकार टेस्ट दौर कि लुण पानी हो लुण पानी कौन आम कौन पानी नवा से लुण मिसेवा कौन हम ना लुण पानी होगा आम टेस्ट करवा तार प्रति सब जगह जेकोसी जगह टिके ना नहीं कि तुम्हें चाख देख से पाइटा से लुणिया लगुव ना मीठा हो लुणिया लगुता मैंने कौन ना से तार प्रत्येक अंश तार टेस्ट है सामान तमें कौन है समजात मिश्रण बोली कहवा समजात मिश्रण कौन ना एक मिश्रण जो थी मिश्रणर सबु अंश सामान कौन जो थी मिश्रणर सबु अंश सामान यही प्रकार मिश्रण को यही प्रकार मिश्रण को कौन कहुए समजात मिश्रण बोली कहुए जमी आम लेंबू रस कथा देखिले कि चीनी पानी हो कि लेंबू पानी हो कौन तार सब अंश सामान तुम्हें लेंबू पानी लेंबू पानी कसला तुम्हें नहीं चाख चाखला तार जो अंश भी नहीं चाख से लेंबू पानी टेस्ट दब लेंबू लेंबू पानी टेस्ट दब ना कि अलग हो लेंबू पानी ही तुमको लगे सब जगह तुम्हें चाखिले चीनी पानी हो कि लुण पानी हो सब जगह से कौन गोटे प्रकार टेस्ट दौले कौन है ना जो थी मिश्रणर सबु अंश सामान यही प्रकार मिश्रण को कौन कह समजात मिश्रण बोली कह कहक समजात मिश्रण बोली कह असमजात मिश्रण कौन मानने कौन है तक भेत उत्पादन गुड़िक अलग अलग होमती कि आम चाउल गोड़ी चाउल चाउल सागे जब आम किसी गोड़ को मिश्रण करदे से कह आम से चाउल आ गोड़ को अलग अलग करश्रणटा है कौन असमजात उत्पादन गुड़िक कौन अलग अलग कि तुम्हें मैंने आईपर कौन गोटे कौन गोटे ग्लास रे किसी पानी नहीं कि मटिक मिसेदेव मटिक मिसेले कौन हम ना किसी समय पर देख मटी गुड़ाक तले रही बसीज उपरे पा रही सीठी कौन सीटा भी असमजात मिश्रण तो आम देख उत्पादन गुड़िक अलग अलग कि तेल जलर मिश्रण नहीं पार पानी आम कौन करवा कि तेल पकईदे घाटा घाटिले घाटिले घाटी घाटी चलने से कौन के मिसब कि से पानी के तेल मिसब कि मिसब ना जिते घाटिले से कौन हम तेल आने अलग हो तेल रही मानने ऊपर गोटे लेयर सृष्टि करदेव पानी रही सब तले कौन तेल पानी है कौन असमजात मिश्रण उदाहरण तेल कौन है ना मिश्रण है दुई प्रकार कौन कौन गोटे समजात मिश्रण आ गए असमजात मिश्रण समजात मिश्रण कौन ना एक मिश्रण जो थी मिश्रणर सबु अंश सामान से प्रकार मिश्रण को आम कौन कह सब समजात मिश्रण कह तार सब अंश सामान थी असमजात मिश्रण कौन जो मिश्रण उत्पादन गुड़िक अलग अलग अंश रही है मानने अलग अलग उत्पादन गोटे मिसिक गोटे होमें कौन कह असमजात मिश्रण बोली कह बुझीला चलती हाँ ताप देख पे कौन रहा ना समजात मिश्रण आउ असमजात मिश्रण मध्य गोटे पार्थक्य दि जाए तुमको जो परीक्षा पचार समजात मिश्रण आउ असमजात मिश्रण से पार्थक्य लेख तुम्हें से डिफरेन्स लेख कौन लिख ना देख प्रथम है कौन ना एथिरे थिबा विभिन्न उत्पादन गुड़िक मध्य पृथकीकरण सीमा देखा जाए ना
କଣ ନା ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କୁହାହବ ଲେମ୍ବୁ ରସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ହେଉ କିମ୍ବା ଚିନି ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଲୁଣ ପାଣି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଅଲଗା କର, ଚିନିକୁ ଅଲଗା କର, ପାଣିକୁ ଅଲଗା କର ଆଉ ଲୁଣକୁ ଅଲଗା କର। ତୁମେ କରିପାରିବ କି? ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କ'ଣ ସୀମା ଦେଖାଯିବ କି? ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାର କିଛି ସୀମା ଦେଖାଯିବ କି? ସେ କହିଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କହିଥିବ, ମିଶିଯାଇଥିବେ ସେମାନେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମଦିତ ମିଶ୍ରଣରେ ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଲଗା କରିବାର କୌଣସି ସୀମା ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ କହିଲା? ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଡ଼ିର ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଲେ କି ତୁମର ପାଣି ସହିତ ଆମେ ମାଟିକୁ ମିଶାଇଦେବା, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିଦେଲେ ଚାଉଳ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, ଗୋଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଆମେ କିଛି ରାସ୍ତା ପାଇଗଲେ ସେଠି ତାକୁ ଅଲଗା କରିବାର ବା ପୃଥକୀକରଣ କରିବାର କିଛି ସୀମା ବା ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା। ସେଭଳି ଆମେ ପାଣିରୁ ମାଟି ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ମାଟି ମିଶାଇଥିବା, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଖିଦେଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ପରେ ପାଣି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ମାଟି ଗୁଡ଼ା ତଳେ ବସିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଉପରୁ ପାଣିକୁ ନିଗାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ପାଣି ଆଉ ମାଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥକ କେଉଁଠି ସୀମା ଦେଖାଯାଏ? ଅସମଜାତୀୟରେ ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ଦେଖାଯାଏ, ତା ମାନେ ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ନା ଏହାର ସବୁ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ, ଏହାର ସବୁ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ। ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନେଲେ ତା'ର ଦେଖିବ ଯେକୌଣସି ଯେକୌଣସିଠୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ କର, ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଅଂଶ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ସମାନ ଥିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା? ଏହାର ସବୁ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ। ଆଉ ଏପଟେ ଅସମଜାତୀୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହାର ସବୁ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ ନୁହେଁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ତୁମେ ନେଇପାରିବ କ'ଣ? ସମଜାତୀୟରେ ବାୟୁ, ଚିନି ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ, କ'ଣ ବାୟୁ ଚିନି ପାଣି ଆଉ ଲୁଣକୁ ନେଇପାରିବା। ଉଦାହରଣ ଏପଟେ ଆମେ ଅସମଜାତୀୟରେ ନେବା ଧୂଆଁ ଆଉ କ'ଣ ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଡ଼ି ଓ ଚାଉଳର ମିଶ୍ରଣ। ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ି ଓ ଚାଉଳକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା, ସେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେଲ ଓ ଜଳ, ତେଲଟା ଉପରେ ରହିଯାଏ, ତେଲ ଓ ଜଳ କ'ଣ ତଳେ ରହିଯାଏ, ତେଲଟା ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ରହେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ସମଜାତୀୟ ଆଉ ଅସମଜାତୀୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ଆସେ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଅସମଜାତୀୟରେ କ'ଣ ନା ପୃଥକୀକରଣ ସୀମା ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଏହାର ସବୁ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ, କାହାର? ସମଜାତୀୟରେ ସବୁ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ, ଆଉ କ'ଣ ଅସମଜାତୀୟରେ ସବୁ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବ ଏହାର ଚିନି ପାଇଁ ନେଇ ଚିନି ପାଣି ଲୁଣ ପାଇଁ ନେଇଯିବ, ତା ସେଠି ନେଇଯିବ ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ଗୋଡ଼ି ଓ ଚାଉଳର ମିଶ୍ରଣ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା ତାକୁ? ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯାହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଆଉ ତା'ର କିଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ସେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ ଭୌତିକ ସଂରଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ସରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, କ'ଣ କ'ଣ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ମିଶ୍ରଣ ବା ମିକ୍ସଚର। ତାପରେ ତା'ର ଆମେ ବିଭକ୍ତିକରଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ କି? ସମସ୍ତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଉପାଦାନ ମିଶିକି ରହିଥାଏ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମିଶ୍ରଣର ଡିଫରେନ୍ସ ମିଶ୍ରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଆସେ ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।